Tun 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 तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ईगल फायर। गाइस आज की इस वीडियो में आपको आठवां अजूबा देखने को मिलेगा। ये अजूबा खुद को सिंगर कहता है। पाकिस्तानी इस अजूबे को सिंगर कम और डॉक्टर ज्यादा समझते हैं। अगर क्यों? क्योंकि इस अजूबे की आवाज़ सुन के खालिज के मरीज और कोमा में गए हुए मरीज खुद उठकर बैठ जाते हैं। उस्ताद चाहत फतेह अली खान दा मैं दिलों शुक्र गुजार हां। मेरा प्यो फालज की वजह तो चार पाई साल तो लंबे पिया हुआ है, लेकिन जिदों इस चाहत फतेह अली खान नू मेरे प्यो ने देखा ते सुनिया उठ के आप टीवी बंद किया। इस अजूबे ने नुसरत फतेह अली खान के मुकाबले में अपना नाम चाहत फतेह अली खान रखा है। वैसे ये अजूबा शक्ल से राणा सनाउल्ला का बड़ा भाई और मरियम औरंगजेब का बच्चा लगता है। मेरा बच्चा जो है वो जरा थोड़ा सा गुस्से का तेज है, और उसको जब मैंने वैसे ही बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूजिक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक क्लास में डाल दें। तो इसका जो वो एक गुस्सापन है या जो इसके अंदर एक थोड़ी सी वो है उसको खत्म। कौन पकड़ के लेके आया इसे? ये दुनिया का वो वाहिद सिंगर है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में पाया जाता है। ये म्यूजिक की दुनिया का वो अजूबा है जो गाना गा रहा है और किसी को पता ही नहीं चलता कि ये गाना गा रहा है या अभी हमसे बात कर रहा है। ये जिस भी गाने को गा रहा हो तो वो गाना बनाने वाले इंसान जब इसका गाना सुन लेता है तो उसका दिल करता है कि वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। वो नहीं मानता तो खुद इसका गाना सुन ले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सुनो मेरी ही जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ, मुझे लव हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ। अब बता गाना कैसा लगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये अजूबा जिस जगह पर गाना गा रहा हो उस जगह से मक्खियां और मच्छर भी चले जाते हैं। अगर क्यों? क्योंकि उनके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। और ये अजूबा कह रहा है मैं करोड़ों दिलों की धड़कन हूँ। सलाम अलैकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली। तू करोड़ों दिलों की धड़कन नहीं, करोड़ों बच्चों की धड़कन है। जब रात को बच्चे सोते नहीं तो माँ कहती है सो जा वरना चाहत फतेह अली का गाना लगा दूंगी, तो बच्चों की धड़कन तेज हो जाती है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये राक्षस की तरह नजर आने वाला अजूबा म्यूजिक का सहारा लेकर लड़कियों को फ्लर्ट करने से भी बाज नहीं आता। ये लंदन से वीडियो बनाकर ही हिना नियाज़ी को कह रहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैं पाकिस्तान आकर तुमको जरूर मिलूंगा। ये पागल हो गया। ऑल द वे फ्रॉम लंदन हिना नियाज़ी जी, क्या हाल है? ठीक है, मुझे पता चला है कि आप मुझे बहुत पसंद करती हैं। ठीक है जी, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत इनोसेंट हैं। ठीक है, लव यू। अरे बस कर भाई, वो पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। इस दुनिया में ये अकेला ही एक ऐसा सिंगर मौजूद है जो लाखों सालों में एक दफा ही पैदा होता है। ये किसी भी टाइम किसी भी चीज पर गाना बनाकर उसी टाइम उसी गाने को गा भी लेता है। वो अलग बात है कि किसी को कुछ समझ नहीं आती। गजब बेइज्जती है। पानी के असर बिजली से तंग पाकिस्तान वाम के लिए इस अजूबे ने एक शो में बैठ कर ही गाना बनाया और उसी शो में उस गाने को गा भी दिया। बिजली 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 गैस 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 पानी पानी बिजली बिजली गैस गैस पानी पानी बिजली बिजली गैस गैस पानी पानी हर वक्त एक ही रौला है। बिजली बिजली गैस गैस पानी पानी रौला रौला। क्या बोल रही है? और अब इस अजूबे ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चेयर अप करने के लिए खरे खरे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर गाना बनाकर गाने को गा भी दिया है और गाने में लब्बे आती भी मिक्स कर बोल दी है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लब्बे आती है दवा बन के तमन्ना मेरी, जीतेंगे भाई जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने थोड़ा सा अगर इस अजूबे के सर पर दो सींग लगा दिए जाए तो ये राक्षस का दादा लगेगा। पाकिस्तानी अवाम आजकल इस राक्षस को पर्सनली घर पर नचा के इसके फुल मजे ले रही है। आइए देखते हैं।
हो रहा है ये बेवकूफ ऐसे ऐसे गाने गाता है जो किसी ने सुने ना हो और ऐसे अंदाज से गाता है जो किसी ने देखा ना हो। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री पहले ही जमीन के साथ लगी हुई नजर आती है। अगर इस जैसे तीन चार चाहत फतेह अली खान और पाकिस्तान को मिल जाते तो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री कब्र में दफन हो चुकी होनी थी। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अब इस बेवकूफ सिंगर का फास्ट म्यूजिक गाना सुनो। ये ऐसे गाना गा रहा है जैसे इसको पकड़ कर किसी ने इसकी अच्छी धुलाई की है और ये आगे से उसको धमकियां दे रहा है। अगर आज नुसरत फतेह अली खान जिंदा होते तो इनको सीने से लगा कर गोली मार देते। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। दुनिया का ये आठवां जुब्बा लोगों के लिए इतने अच्छे गाने गाता है, देखते हैं लोग इसका गाना सुनकर इसके गाने को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। चा, 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 चा। इस यूजर ने लिखा है किसी इंटरनेशनल तो वाइफ माँ का बच्चा चाहत पते। अरे बाबा। इस यूजर ने लिखा है ओए इसे खुला ही छोड़ दिया है। कुछ भी। इस यूजर ने तो हर हद पार कर दी। इसने लिखा है हमारे लिए चाहत फतेह अली खान की काबिले एहतराम वालदा मुहतरमा को बहुत सलाम है, बहुत हिम्मत खतून जिन्होंने इनको नौ माह पेट में रखा। मानना पड़ेगा। इस यूजर ने लिखा है आपके गाने से मेरी कब्ज खुल गई है, थैंक यू चाहत अंकल। इस यूजर ने लिखा है ये कयामत की वो निशानी है जिसे दज्जाल खुद प्रमोट करता है। इस यूजर ने लिखा है ये हमारे गुनाहों की सजा है। तो गाइस इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके भी कमेंट दिखाए जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट कर देना, तो फिर जल्दी ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। तो आज किस मजेदार सी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट कर बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना डेली फनी वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल पर डेली फनी वीडियोस अपलोड होती हैं, आप डेली हमारा चैनल ईगल फायर विजिट करके डेली फनी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।